भाई सबका भरे हुए हैं, भरे हुए थे जी। तो अभी तो पेंडिंग है ना। युवा क्या सोचते हैं अपने राज्य में कैसा विकास चाहिए, क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? देखिए 5 साल सरकार राज करेगा तो 5 बार उसको वैकेंसी निकालना है, ठीक है, कम से कम 1500-2000 लड़के होने से भी साल के साल में, तब ना युवा आगे बढ़ेगा, नौकरी मिलेगा, प्रत्येक साल वो मेहनत करता है। अब चाहते हैं कि जैसे गुलगुला छाना कोई खराब काम तो नहीं है, अभी तो अपना एक रोजगार है, एक रोजगार नहीं है, बिजनेस हुआ, बिजनेस हो गया। तो मतलब अगर गुलगुला छाने का काम सरकार ही दे दे, सरकारी नौकरी के तौर पर, तो वो कैसा रहेगा? ठीक ही रहेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, कुछ काम तो नौकरी होनी चाहिए। अगर सरकार सरकारी नौकरी देता है गुलगुला छाने का तो क्यों काम नहीं करेंगे? बहुत सुंदर, मतलब अगर सरकार गुलगुला छाने की भी नौकरी दे, नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। नौकरी क्यों जरूरी है? नौकरी जरूरी है, युवा को सबको नौकरी जरूरी है, सब तो नौकरी के लिए पढ़ाई करता है, मतलब जीवन स्थायी, जीवन स्थायी है नौकरी करना। आप ये बताइए, एक सीएम के गांव में हो के आप गुलगुला छान रहे हैं, यहाँ के यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के यूथ के बारे में मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में इस बार? मुद्दा इस बार देखिए, हम यहाँ चंपा सोरेन का ही मुद्दा है। चंपा सोरेन तो प्रत्याशी हुए, मुद्दा क्या होगा? अच्छा, मुद्दा मुद्दा इशू क्या होगा चुनाव के, कि किस बेस पे वोट देना चाहिए आम युवाओं को? युवाओं को तो यही कहना चाहेंगे, सोच समझ कर वोट करें, लेकिन वोट जरूर दें, आपके हाथ में सरकार है। ले रहे हम लोग फेस भी ले लिए, खाली गुलगुला में सारा बात हो रही है।